नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। चाइना अब Y9 बना रहा है, जिससे कि वो भारत को धमका रहा है और ये कई मायनों में ये विमान काफी अनूठा भी है। ड्रैगन अपने सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और लद्दाख के पास LAC पर न सिर्फ वो अत्याधुनिक हाईवे का निर्माण कर रहा है, बल्कि भारत को ध्यान में रखते हुए शांघी में अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y9 के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक Y9 ट्रांसपोर्ट विमान वास्तव में Y8 का आधुनिक संस्करण है। बताया जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी के KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, Y8 इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट समेत Y9 भी इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुए। बता दें कि इनमें से कुछ लड़ाकू विमानों के जरिए बीते दिनों ड्रैगन ने ताइवान की वायु सीमा का अतिक्रमण किया था। चीन अब Y9 को LAC के पास तैनात करने जा रहा है और इस तरीके से ये विमान भारतीय सीमा पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास में Y9 ने शामिल होकर वैश्विक स्तर पर कई रिकॉर्ड भी कायम कर दिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि Y9 सबसे अधिक ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंड करने वाला, ट्रांसपोर्ट के काम आने वाला लड़ाकू विमान बन गया। इसके साथ ही Y9 ने लगातार 40 घंटे की उड़ान भर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। चीन का Y9 ट्रांसपोर्ट विमान चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड से जुड़ा है। चीन की यह थिएटर कमांड पहली ऐसी कमांड है जिसने 2438 मीटर की ऊंचाई पर बने एयरपोर्ट पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट उतारा है। ये विमान भी चीन की PLA को अपनी सेवाएं देता रहा है। आपको बता दें कि शांघी एयरक्राफ्ट कंपनी ने Y9 का निर्माण किया है, जो कि एक मीडियम रेंज और मीडियम साइज का विमान है, जो युद्ध के दौरान रणनीतिक साजो और सामान को भेजने के काम आता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ने इस विमान के जरिए अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा तैयार C-130 हरकुलिस का जवाब दिया है। शांघी कंपनी ने 2005 में इंटरनेशनल एविएशन एक्सपो में इसका प्रदर्शन किया था। उस वक्त PLA में ये विमान शामिल नहीं था। चीन का Y9 विमान किसी भी मौसम में किसी भी स्थिति में ऊंचाई पर बने एयरबेस पर उतर सकता है। इसमें वोजियांग FWUJ-6SU टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है, जो इसे विपरीत परिस्थितियों में काम करने लायक बनाता है। ये विमान एक बारी में 25 टन का भार अपने साथ ढो सकता है। सेना के जवानों को ले जाने के अलावा ये चिकित्सा सेवा देने में भी सक्षम है। इसके जरिए युद्ध की स्थिति में चीन 106 पैराट्रूपर्स को उतार सकता है, जबकि अमेरिकी विमान 132 पैराट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि चीन का Y9 कितना सक्षम है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ही अमेरिका के C-130 हरकुलिस विमान का इस्तेमाल करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है और इसकी क्षमताएं चीन के Y9 से काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी चाइना यानी कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। तैयारियां हमें भी पूरी रखनी है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।